यहाँ पे इस गुफा की खास बात क्या है कि यहाँ पे हाय श्रेया, हाय, सुबह 84 कुटिया जो पावन गंगा के तट पे बसी महादेव की नगरी ऋषिकेश। हे गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सो एज यू कैन सी जस्ट बिहाइंड मी जानकी झूला, और अभी मैं हूँ यहाँ पे आश्रम में। और कल हमारी जो है सुदर्शन क्रिया हुई थी, उसके बाद हम लोगों ने खाना वाना खाया। मुझे बहुत ही अलग तरीका का फील हो रहा था, तो इसलिए मैं व्लॉगिंग करना ही भूल गया सब कुछ। खाना वाना खा के सो गए थे। आज हमें जल्दी उठना था, इस चक्कर में मैंने कल कुछ नहीं किया। तो अभी मैं जल्दी से तुमको अपने दोस्तों से मिलवा देता हूँ। ये है अंकित, मेरा बहुत पुराना दोस्त। हेलो राहुल भाई, एक बार आ जाओ। ये हमारे राहुल भाई हैं, ये दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं मेरे। हम गुड़गांव में मिले हुए थे, तो वहीं से हम लोग काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, और कितने सालों बाद हम यहाँ मिल रहे हैं, वो भी अंकित की वजह से। दोस्तों मिलते हैं, ऐसे करते रहते हैं। स्वामी अंकित, हाँ ये मिले स्वामी अंकित जी से। और अगर आपको आर्ट ऑफ लिविंग का कोई भी कोर्स करना है तो आप इससे संपर्क कर सकते हैं। वेदर ने साथ दिया तो आज हम यहाँ से घूमने भी जाएंगे थोड़ा। अंकित जी कहाँ घूमने वाले हैं आज हम? वशिष्ठ गुफा। जैसे कि इससे अप्रोक्स 25 किलोमीटर आगे आपको गुरु वशिष्ठ की गुफा मिलेगी। यहाँ पे इस गुफा की खास बात क्या है कि यहाँ पे एक ज़माने में वशिष्ठ गुरुदेव ने खुद मेडिटेशन किया था। तो आज प्लान ये है कि यहीं पे हम योगा वगैरह करेंगे और मेडिटेशन वगैरह करेंगे। सो गाइस, यहाँ पे आपको थोड़ी सी सीढ़ियाँ वगैरह देखने को मिल जाएगी, तो अगर आप बरसात के टाइम में आ रहे हो तो थोड़ा आराम से आना, थोड़ा स्लिपरी है। इस विशिष्ट गुफा के सामने बिल्कुल गंगा रिवर है, और वहाँ पे एक छोटा सा बीच है जहाँ पे अगर आप चाहो तो योगा वगैरह कर सकते हो। सो गाइस, गंगा के पावन तट पे हमने योगा और मेडिटेशन किया, काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ। और अभी हम विशिष्ट गुफा की ओर जा रहे हैं। राहुल भाई, कैसा अनुभव रहा आपका? मेस्मराइजिंग, अभी शांत है मन। हाँ अंकल जी, आपका नाम बता दीजिए एक बार प्लीज। गोपाल दत्त जोशी। गोपाल जी, और आंटी आपका नाम क्या है? तारा जोशी। तो ये दोनों जी हमारे रानीखेत से आए हैं, हमारे उत्तराखंड से ही हैं। और अभी कैसा लग रहा अंकल आपको? फिर मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आया, अद्भुत अद्भुत। और हमने यहाँ एक नया दोस्त भी बना लिया है, इसको भी लेके जाने वाले हैं अभी टेम्पो ट्रैवलर में। हाय गरवी, हाय कर दो। से हाय, से हाय। शर्मा गया। तो गाइस, गुफा हम लोग होकर आ गए हैं, और वहाँ हमने थोड़ी देर बैठ मेडिटेशन भी किया था, तो काफ़ी अच्छा फीलिंग रहा, काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। और काफ़ी भीड़ भी है आज, एक्चुअली आज वीकेंड है ना, तो अभी यहाँ से फिलहाल हम वापस जा रहे हैं आश्रम की ओर। इस सुंदर जगह की यादों को लेकर हम लोग वापस आश्रम आ गए, और बाकी का कोर्स करके हम लोग शाम को गंगा आरती देखने परमार्थ निकेतन आ गए थे। I'm not afraid of the dark.
शर्मा जाते हैं कैमरा देख के, जो आपका मन हो। रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस। हाय श्रेया, ये आया मजा हमारा, मजे लो यार, अब पार्टी होगी। भाई हमारा बर्गर आ गया है, हमारा जंबो बर्गर आ गया है। जंबो बर्गर है भाई, बोला था अपने अपने चार ले लेते, तो मैं ऐसे एक चार ले गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो आज है 18 तारीख और अमित जी और राहुल जी के साथ हम लोग जा रहे हैं वाटरफॉल एक्सप्लोर करने के लिए। एक लोकल वाटरफॉल है। तो अमित जी ने बोला, इनको पता है कि यहाँ पे एक वाटरफॉल है, हमने सोचा चलो टाइम है तो चलो घूमाते हैं। तो ये छोटा सा ट्रैक है, पहले यहाँ से जाएंगे, नीलकंठ वाले रास्ते में पड़ता है, और वहाँ पे अगर देखेंगे माहौल सही होगा तो नहाने वाने की व्यवस्था भी बता रहे थे भैया। तो नहा के और थोड़े ड्रोन शॉट्स वगैरह लेंगे और तुरंत आ जाएंगे वापस। और आज जो हमारा है इस सेशन का लास्ट डे है, तो आज जो हमको बताया जाएगा कि अगर घर पे ये सुदर्शन क्रिया वगैरह करनी है तो कैसे करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। और बाकी लास्ट में फिर अपना पूरा मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, ये बिल्कुल आश्रम वाली रास्ते से हम सीधे जाते जा रहे हैं और अमित जी हमें खतरनाक ट्रैकिंग करा रहे हैं आज। बिल्कुल रिवर, ये ऑफ रोड ट्रैकिंग है, रिवर के ऊपर से जा रहे हैं हम। देख लो, ये किसी जमाने में इसमें पानी आता होगा ना, बरसात बरसात में तो पथरीला हो गया। अभी हम एक बहुत ही फेमस जगह पहुंच रहे हैं इन नेक्स्ट फ्यू मीटर्स। अच्छा, कौन सी जगह है वो? जहाँ पे बीटल्स ने कई काफ़ी साल यहाँ पे गुजारे। अच्छा, बीटल्स वेर हियर इन दिस आश्रम व्हाट यू आर सीइंग राइट नाउ। अच्छा, सामने ये है 84 कुटिया, जो अमित जी बता रहे थे बीटल्स ने यहाँ काफ़ी टाइम स्पेंड किया था। और अगर आप चाहो तो यहाँ जा सकते हो, यहाँ पर अमेजिंग कुटिया मिलेगी, आप मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो। और कुछ फीस वगैरह भी लिखी हुई है यहाँ पे, एंट्री फीस देख लो भैया। ये यहाँ पे जो प्राइस वगैरह देख लिया, बाकी अभी हम ट्रैक कंटिन्यू करेंगे, आज तक अगर टाइम हुआ तो हम एक बार ट्राई करेंगे अंदर जाने की। तो चलिए चलते हैं, और मज़ा आ रहा है काफ़ी नेचर वॉक करते हुए जाने में। सो गाइस, ये शॉर्टकट है एक तरीके से, आप 20 से आते हो और फिर अगेन आप ही मेन रोड पे आ जाते हो। अब इस मेन रोड से थोड़ा सा आगे चल के हमें जो है पार्किंग मिलेगी नियर कंट्री, वहाँ से थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ता है 1-2 किलोमीटर, वो अभी चलते हैं। बहुत ही अमेजिंग नेचर वॉक है और हम लोग अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहे हैं, बेचारे सोए हुए हैं, हम लोग आ गए हैं सुबह सुबह ट्रैकिंग के लिए। कुछ लोग हमको ऊपर मिस कर रहे हैं, मजाक कर रहा हूँ, मतलब वो लोग जल्दी चले गए थे, हम लोग थोड़ा लेट उठे थे, तो हम लोग अपना अलग से निकल गए हैं। तो ये है गाइस अमेजिंग ब्यूटी ऋषिकेश की, जो अनएक्सप्लोर्ड बोलते हैं ना, कई लोग इसे मिस कर देते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं पैदल पैदल नीलकंठ और वहाँ चलते हैं, अगर टाइम मिला तो वाटरफॉल तक जाएंगे, बिकॉज सर बोल रहे हैं कि हमारा सेशन भी है तो हमें टाइम से भी आना है। तो लेट्स सी क्या होता है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स गो। वो नीलकंठ वाले रोड पे ना, नीलकंठ हम यहीं जाता है ना, पैदल रास्ता जाता है। हाँ, रोड वाला तो अलग है। हाँ, अलग है। तो अरे झरना कहाँ से नज़दीक पड़ेगा बताइए, यहाँ से जाओ सीधे। हाँ, इसके ऊपर से एक रास्ता होगा, उसी रास्ते पर। तो रास्ता कहाँ जाता है, कितने क्या बोलते हैं, भूतनाथ मंदिर है वहाँ से चढ़ जाएंगे ऊपर। तो गाइस, ये है एडवेंचरस ट्रैक, ये देखिए लाल भाई आगे का रास्ता निकल रहा है कुछ, आगे पीछे मुझे बड़ी जनता आ गई वहाँ। वही तो, ये तो बढ़िया भाई, यही तो फन है, यही तो करना है। तो गाइस, हम लोग ऐसी ट्रैकिंग करते करते यहाँ आ गए हैं, एक छोटा सा वाटरफॉल है, तो आप चाहो तो यहाँ पर आ सकते हैं, बिल्कुल रोड के बगल में ही है। तो अभी राहुल वहाँ चले गया, देखो सामने, थोड़ा सा रिस्की भी है बट जितना हो सकता है उतना हम आगे जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस, मतलब जो ट्रैकिंग एक चीज़ होती है ना, नेचर वॉक और पानी वगैरह, और लोग भी, बहुत सारे लोग आ गए हमारे साथ। भाई कहाँ से आए हो आप, नोएडा से आए हो, ये देखिए बाकी लोग भी हमारे पीछे पीछे आ गए हैं। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर, थोड़ा कितना अंदर जा सकते हैं। Thank you.
सूरजपुर के पास। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है ये। राहुल भाई हमारे यहाँ पहुँच गए हैं हमें लीड करते हुए। राहुल भाई आराम से जरा पाँव दबा दबा के। बहुत अमेजिंग, मतलब आप सुबह आके यहाँ बैठ जाओ, थोड़ा सा जानवरों से सावधान रहना बस। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है, बहुत शांति मिल रही है और पानी की आवाज़ बड़ी सुंदर लग रही है, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे आने में। तो गाइस हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं। जस्ट मेरे पीछे देखिए आप, दो झरनों का संगम हो रहा है यहाँ पे और बहुत अमेजिंग प्लेस है, बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड बोलते ना इसे वो है। तो ये होता है रियल, मतलब आप चाहो तो अनएक्सप्लोर्ड कर सकते हो, यहाँ आ सकते हो। और कैसा लगा आपको प्लेस मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। और राहुल भैया उतर गए हैं यहाँ। सो गाइस नहा धो के अब हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, अगर आप लोग यहाँ आते हो जो मैंने जगह बताई है, बट ऐसे गंदा मत करना यार बिल्कुल। और कुछ पानी की बोतल नहीं, कोई रैपर्स नहीं, कुछ मत छोड़ना यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि अगर आप हम ख़राब कर देंगे तो फिर आगे से जगह पूरी ख़राब हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम आने की लायक नहीं रहेगी, तो इसलिए कीप इट क्लीन। तो अभी चलते हैं वापस आश्रम में, काफ़ी देर हो गई है, शायद गंगा स्नान भी कर लेंगे, उसका सेशन अटेंड करते हैं। सो गाइस ये जो टैक्सी स्टैंड था जहाँ पे पर्ची कटती है, यहाँ से जो पानी जा रहा है ना यहीं से अंदर जाना है। तो ये हमने नया डिस्कवरी करी है यहाँ पे, तो गंगा स्नान करते हैं फिर सीधे सेशन के भी लेट हो रहा है, नाश्ता करके सीधे सेशन में निकल जाएंगे। सो गाइस गंगा स्नान करने के बाद हम लोगों ने अभी फिर से एक बार घर वहाँ पे नहाया रूम में, बिकॉज रेन बहुत ज़्यादा हो रही थी। और अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए और सेशन भी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है, तो फटाफट जाते हैं और ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। कैसा रहा भाई पोहा? पोहा बहुत लाइट है, स्पेशली चटनी। और एक यहाँ एक हर्बल टी मिल रही है इस तरीके से, वो भी काफ़ी अच्छी है, अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों हमारा कोर्स शुरू हो गया था और कुछ घंटों तक कोर्स चला और हमें सिखाया गया सुदर्शन क्रिया कैसे हम घर पे कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ शुरू हो गई थी और छोटे से लेके बड़ा हर एक व्यक्ति अपने आप को पूरा इंजॉय कर रहा था, क्योंकि म्यूज़िक सुन के मेरे भी पाँव अपने आप थिरकने लग जाते हैं, तो मैं भी अपने आप को डांस करने से रोक नहीं पाया। और अगर ओवरऑल वर्कशॉप के एक्सपीरियंस की बात करें तो मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा, खास तौर पे सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन क्रिया करके जो आपको एक हल्कापन महसूस होता है, एक अलग प्रकार की अनुभूति होती है, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप सभी को कम से कम एक बार तो इस अनुभूति को ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो गाइस इस तरह से हमारा ये कोर्स जो है आज यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और सारे लोग अपने अपने घर चले गए और मैं भी अपनी गाड़ी निकाल रहा हूँ, निकलता हूँ यहाँ से। 4:30 हो गया है, एक्चुअली थोड़ा लेट ही हो गया, बट प्लान था पहले यहाँ रुकने का, बट अभी कुछ काम आ गया अर्जेंटली घर पे, तो मुझे घर जाना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून। और आप सभी को इन सुंदर मेमोरीज के साथ छोड़ के मैं तो चला अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर।